नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो AKTU का एग्ज़ाम होता है, AKTU की जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो एक एग्ज़ाम कराती है UPSEE। दोस्तों उसकी कितनी कट ऑफ जाती है कॉलेज वाइज, जो कि AKTU की टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन कॉलेजेस की जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप AKTU की किसी अच्छी कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो UPSEE का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कितना स्कोर करना होगा उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों मैं सभी कॉलेज की और सभी स्ट्रीम के लिए, जैसे कि दोस्तों एक कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं आपको उस कॉलेज की हर ब्रांच के लिए कट ऑफ बताऊंगा कि UPSEE में आप कितना स्कोर करें उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसे ही जो AKTU की टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है जिनका, जहाँ से अगर दोस्तों आप बीटेक करते हो किसी भी ब्रांच से तो आपको एक अच्छा पे स्केल मिलेगा। तो मैं सबकी कट ऑफ बताऊंगा कि इतनी इतनी कट ऑफ इतनी इस ब्रांच के लिए जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों जो सबसे पहले नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ वो जो कि एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है AKTU की गवर्नमेंट, वो है दोस्तों आपकी हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि दोस्तों कहाँ पर है, कानपुर में है। अब दोस्तों जो मैं बात करूँगा क्लोजिंग रैंक वाली बात करूँगा, जैसे कि दोस्तों CS के लिए जिनकी रैंक 164 बनी थी, मतलब 164 तक यहाँ इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिए थे CS ब्रांच के लिए। मैकेनिकल ब्रांच के लिए 303, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 325 क्लोजिंग रैंक रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 486। अब दोस्तों मैं, अगर आप 12th में हैं या आप भी अपने पेपर दिया है या पेपर दोगे, आपको क्लोजिंग रैंक के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग रैंक वो होती है दोस्तों, जैसे कि अभी CS ब्रांच के लिए इनकी जो क्लोजिंग रैंक है वो है 164। तो ये जो जिनकी 1 से लेके 164 जिनकी रैंक आई है, अगर वो बंदा इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसको ये CS ब्रांच दे देंगे। लेकिन अगर उसकी 164 से ज़्यादा आई है, जैसे कि इन्होंने मैकेनिकल की जो क्लोजिंग रैंक है वो है 303, तो जिनकी 303 से कम रैंक आई है वो मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर, जो ये कॉलेज कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है AKTU की। तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही कंप्यूटर साइंस ब्रांच वाले बच्चों के लिए वो है 405, मैकेनिकल वालों के लिए दोस्तों 732, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 783, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए 875। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर, यहाँ पर दोस्तों जो क्लोजिंग रैंक रही है कंप्यूटर ब्रांच वाले बच्चों के लिए वो है 903, और दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए रही है 1280। और दोस्तों अगर हम बात करें फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायबरेली, तो दोस्तों इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही कंप्यूटर साइंस ब्रांच वाले बच्चों के लिए वो रही 1270, और दोस्तों मैकेनिकल वालों के लिए 142, और इलेक्ट्रिकल और IT वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। अब दोस्तों ये जितनी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ से बीटेक करते हो तो मिनिमम आप 4 लाख पर एनम की एक जॉब ले सकते हो और मैक्सिमम 7 लाख, मतलब 4 से 7 लाख इनका एक एवरेज पैकेज रहता है जो कि अपने स्टूडेंट्स को दिलाती हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इसकी कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, तो CS के लिए 1287, और आपका दोस्तों जो मैकेनिकल ब्रांच है उसके लिए रही थी 1416, इलेक्ट्रिकल के लिए 1899, और दोस्तों IT के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2204। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, तो इसकी CS ब्रांच वाले बच्चों के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही वो रही 1326, मैकेनिकल के लिए 1489, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1779, और दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वालों के लिए 2152। अगर दोस्तों वहीं पर मैं बात करूं JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, तो इसकी जो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्लोजिंग रैंक रही वो रही 2095, और दो मैकेनिकल वालों के लिए रही वो रही 3449, और दोस्तों जो मैं ये प्रीवियस ईयर की बता रहा हूँ 2020
1920 की बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों जो आपकी रही मैकेनिकल वालों के लिए 3449, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 4101, और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए 3753। और दोस्तों अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, तो CS वालों की ही दी हुई है यहाँ पर 2867। अगर दोस्तों हम बात करें गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, तो दोस्तों इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 3939। तो दोस्तों ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं AKTU की, जिनकी मैंने आपको कट ऑफ बताई ब्रांच वाइज। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर दोस्तों आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी यूजफुल वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आपसे वो मिस ना हो, आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुँच सके। अगर आपकी वो काम की होगी तो देख लेना, नहीं हो तो आपसे आप स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपसे मुलाकात होगी किसी आपकी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।